दोस्तों एक बटपिस के नए यूज़र ने पूछा है, हमें साइट का टाइटल और टैगलाइन दोनों डालना है या फिर चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ मिलता है इसको ऑप्शन बटपिस के अंदर। दोस्तों यदि आप भी नए यूज़र बटपिस के और अभी भी बटपिस सीख रहे हैं और आपको अपनी साइट का टाइटल या टैगलाइन डालना है या चेंज करना है, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक शुरू देखें। दोस्तों आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों आप वर्डप्रेस के अंदर टैगलाइन और टाइटल दो तरीके से डाल सकते हैं, एक थीम के अंदर, दूसरा वर्डप्रेस के सेटिंग के अंदर, है ना। तो पहले हम सेटिंग के अंदर बताए थे दोनों ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे। सिंपल सा, आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस के सभी फंक्शन टूल दिखाई देंगे, एंड यहाँ पर मिलेगा सेटिंग ऑप्शन एंड यहाँ मिलेगा जनरल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जनरल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो आपको पहला ही मिल जाएगा साइट टाइटल और साइट टैगलाइन, ठीक है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अभी जनरल आ रहा है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पर टाइटल डाल देंगे तो यहाँ पर टाइटल और टैगलाइन आने लगेगी, ठीक है, टाइटल आने लगेगा। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यहाँ पर माई टाइटल, है ना, एंड यहाँ पर टैगलाइन डालना है तो डाल दीजिए। चलिए मैं टैगलाइन नहीं डाल रहा, एंड यहाँ अपडेट करेंगे, एंड यहाँ पर देखिए माई टाइटल आने लगा, है ना, पहले नहीं आ रहा था, है ना। अगर इसमें चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं, माय टाइटल फर्स्ट माय टाइटल, ठीक है, एंड टैगलाइन में कुछ करना है तो कर दीजिए, एंड यहाँ सेव चेंजेस करेंगे तो देखिए फर्स्ट माय टाइटल, तो ये चेंजेस भी हो गए। दोस्तों जब भी आपको आपकी साइट से रिलेटेड मेल आएगा तो यहाँ पर टाइटल मेंशन ज़रूर होगा, क्योंकि टाइटल से ही उस मेल की पहचान हो जाएगी कि आपकी इस साइट का मेल है, तो टाइटल ज़रूर डालिए, ठीक है। मेल उसी पे आएगा जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी है, ठीक है, तो टाइटल आप डाल लीजिए, ठीक है। पहला आपका तरीका ये है टाइटल डालने का या चेंज करने का। दूसरा मैं आपको बता दूँ थीम के अंदर, तो अपेरेंस में जाएंगे एंड यहाँ पर थीम्स है, थीम्स पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे आप तो आपको यहाँ पर एक्टिव थीम मिल जाएगी जो भी आपने इंस्टॉल की है अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो हम कस्टमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यू आर कस्टमाइज फर्स्ट माई टाइटल, है ना, तो ये यहाँ भी टाइटल मेंशन हो रहा है। दोस्तों जब भी कोई भी थीम यूज करेंगे उस एन वी पी एक्स्ट्रा, तो वहाँ साइट आइडेंटिटी में आपको टाइटल टैगलाइन डालने की फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइट आइडेंटिटी पे जाता हूँ तो देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, साइट टाइटल एंड टैगलाइन, तो दोनों ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी साइट का टाइटल और टैगलाइन। अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो इस पर टिक मार्क कर देंगे, ठीक है, अगर नहीं कराने चाहते तो इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निर्भर करता है कि आपको साइट टाइटल शो कराना है कि नहीं। तो अभी हमारा थीम के अंदर साइट टाइटल हाइड है, क्योंकि हमने इसमें कस्टमाइज किया है इसलिए टाइटल शो नहीं हो रहा, ठीक। आप दो जगह पर टाइटल टैगलाइन डाल सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, सेटिंग के दूसरा थीम के अंदर, है ना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रही। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।